नमस्कार दोस्तों, आज हम अलका किचन में बनाएंगे साबुत मसालेदार मूंग की दाल। ये वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई के प्रेशर में खाना बनाना नहीं सीख पाते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने आधी कटोरी खड़ी मूंग की दाल ली है क्योंकि मुझे दो ही लोगों के लिए दाल बनानी है। अब मैं इसको धोऊंगी और इसे आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। हमारी दाल को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको जो है इस कुकर में डाल देंगे। अच्छे से कुकर में डाल देंगे और इसमें लगभग हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। 1.5 गिलास पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि जो है मूंग की दाल, जो खड़ी मूंग की दाल होती है, वो फूलती अच्छी तरह से, ज़्यादा फूलती है। इसमें हमने 1.5 गिलास पानी डाल दिया और साथ ही साथ हम ये वाला 1 चम्मच जो है नमक डाल देंगे। नमक आप स्वाद अनुसार ही डालिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ। इसको डाल करके और अब इसे बंद करके हम गैस पे चढ़ा देंगे। हमारी 15 से 20 मिनट के अंदर गल गई थी, मैं गली नहीं कहूँगी, इसे रल गई थी कहूँगी, क्योंकि इसके अंदर पानी और दाल एक ही में मिल गया है। अब मैंने इसका तड़का तैयार कर लिया है। इसके लिए ये मैंने प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है अच्छी तरह से, ये लहसुन और हरी मिर्ची है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, टमाटर के भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और ये अदरक है, अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये अदरक है और इसको मैं कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। ऑन कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला। आजकल लोग जो हैं हेल्थ कॉन्शियस हैं तो तेल ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं भी नहीं पसंद करती हूँ बहुत ऑयली चीज़ें, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है और इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी। मेरा ज़ीरा तड़कने लग गया है। अब इसके अंदर ये हरी मिर्ची और लहसुन को मैं डाल करके अच्छी तरह भूनूंगी। जब लहसुन गुलाबी हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर प्याज को डालेंगे। आँच को मैंने अब थोड़ा सा तेज कर लिया है ताकि इसमें अच्छी तरह ये लहसुन और हरी मिर्च जो है वो गुलाबी हो जाए। अब देखिए लहसुन और हरी मिर्च पर हल्का गुलाबी होने लग गया है। अब इसके अंदर मैं प्याज को डाल करके और अच्छे से भूनूंगी। इसको मैं अच्छे गुलाबी होने तक अच्छी तरह भूनूंगी। गुलाबी हो गया है, अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी। हींग डालूंगी और हींग डालने के बाद ही इसमें थोड़ा सा मैं ये अदरक डाल दूंगी जो मैंने ग्रेट किया था। ये मैंने कद्दूकस से ग्रेट किया था, इसको मैं डाल करके अच्छी तरह प्याज को, अभी अदरक को भी अदरक के साथ इसको भून लूंगी। सारा लगभग भून गया है। अब इसके अंदर मैं ये जो मैंने टमाटर के पीसेस किए थे उनको मैं डालूंगी और टमाटर को इसमें मिला करके अच्छी तरह टमाटर के गलने तक इसको भूनूंगी। जो है ये भुन रहा है, अब इसके अंदर मैं ये लाल मिर्ची डाल दूंगी। लाल मिर्ची आप स्वाद अनुसार डालिए और लाल मिर्ची डाल के इसको मिला करके, और जब मैंने दाल उबाली थी उस समय थोड़ा सा उसका जो है रसा, जो है पानी मैंने निकाल लिया था अलग से, उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको इसके अंदर मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और तब तक भूनूंगी जब तक ये टमाटर इसमें गल नहीं जा, मसाला मेरा अच्छी तरह से पक करके तेल को छोड़ नहीं देगा। तड़का बिल्कुल भूनकर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम एक कड़छी, छोटी सी कड़छी देसी घी डाल लेंगे। हमारा देसी घी इसमें डल गया है और इधर हमारी दाल भी जो है वो हमने पतीले में निकाल के इसको खोल रही है अभी ये। अब इसमें तड़के को हम दाल में डालेंगे। मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि कभी भी आप दाल में तड़का मत डालिए, आप तड़के को दाल में डालिए तो आपकी दाल का कलर अच्छा हमेशा आएगा। मैं दाल में तड़का डाल रही हूँ, ये देखिए दाल में तड़का डल गया है और अब मैं दाल को अच्छी तरह से हिला दूंगी। ये हमारी टेस्टी मूंग की खड़ी दाल बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक डोंगे में निकाल लूंगी। ये है मेरी साबुत मूंग की दाल बनकर तैयार हो गई है। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आप कभी भी दाल को तड़के में मत पलटिए, आप तड़के को दाल में डालिए। अगर आप तड़के को दाल में डालेंगे तो इसका फ्लेवर उठ करके आएगा और दाल ज्यादा टेस्टी लगेगी और इसका कलर भी अच्छा लगेगा। आपको अगर मेरी साबुत मूंग की दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने घर में बनाइए और इसे
अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।